नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की सुबह में यहाँ पे आपको बताऊंगा, यहाँ पे पोस्टपेड अकाउंट आप यहाँ पे आप खुद से यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था, पहले आप यहाँ पे अकाउंट को डिलीट करने जाते थे तो कोई भी यहाँ पे डीएक्टिवेट ये सब का ऑप्शन नहीं दिखता था। आप अब अपने अकाउंट को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर शुरू करना। देखिए, मुझे यही नहीं समझ में आता है पोस्टपेड अकाउंट यहाँ पे डिलीट क्यों कर रहे हैं, डीएक्टिवेट क्यों कर रहे हैं। मुझे यही सबसे बड़ी बातें हैं कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि शायद से ऐसा ही कोई पे यहाँ पे पे लेटर सिस्टम होगा जो यहाँ पे इसके जैसा देता होगा सर्विस। क्योंकि यहाँ पे पोस्टपेड में हालांकि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे कम से कम लिमिट दे रहा है, मतलब लिमिट ऐसा है जिसका यहाँ पे सिविल नहीं है, जो वेटिंग लिस्ट में है रेफर करके जिसको भी लिमिट यहाँ पे दिया जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे 4,000 या तो 1,000 दे रहा है मिनिमम। तो वो सबको यहाँ पे लिमिट कम मिल रहा है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें जैसा सर्विस दे रहा है ना, शायद से ही किसी में दे रहा हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे जीरो बैलेंस, यहाँ पे जीरो मतलब चार्जेस पे आप यहाँ पे अकाउंट को यहाँ पे जो लिमिट है इसको आप यहाँ पे बैंक में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। प्लस इसमें क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पे 1,000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है, 1,000 रुपये तक का कैशबैक मिल रहा है, मतलब 0.5% यहाँ पे करते हैं, मतलब पचास पैसा मिल रहा है। 100 रुपये के पेमेंट करने पे आपको 50 पैसा यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे जैसे अर्निंग है, मतलब आपको रिवर्स पॉइंट वगैरह मिलता है, वैसे इसमें भी मिल रहा है। तो मुझे तो यहाँ पे अच्छा लगता है मुझे यूज करना में, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेमेंट करता हूँ और उसको यूज़ भी करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेफ़र करने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं कि आप यहाँ पे 5 जन को रेफ़र करो तभी आपको यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। सेकंड तो ये है कि यहाँ पे जितना भी लिमिट है यहाँ पे मैं आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब तो यहाँ पे एक लिमिट लगा दिया गया है कि मतलब आप इतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्यूआर कोड पे, इतना बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जितना भी कर सकते हैं वहाँ पे 0% चार्जेस में कर सकते हैं। फिर भी डिलीट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, हम उनके लिए यहाँ पे बताएंगे। पहले तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं था कंपनी की तरफ से, ऑफिशियल कोई भी ऐसा नहीं था। जब यहाँ पे पूछा जाता तो बोलते थे कि आप यहाँ पे कम से कम 30 दिन यहाँ पे एप्लीकेशन को डिलीट कर दिए और 30 दिन तक उसको लॉग इन नहीं करेंगे तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन ऐसा यहाँ पे ज़्यादातर होता नहीं था। अब यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे ला दिया गया अपडेट, तो मैं आपको उसके बारे में यहाँ पे पूरे प्रोसेस में यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। आपका एप्लीकेशन यहाँ पे अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट डेली आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करते ही देखिए, आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका जितना भी अनबिल्ड अमाउंट रहेगा यहाँ पे शो हो जाएगा, क्रेडिट लिमिट वगैरह शो हो जाएगा। देखिए हमारा शो हो रहा है। हम यहाँ पे अभी यहाँ पे इस महीने देखिए 1,500 रुपये यहाँ पे कैशबैक अर्न किया हूँ, 5 रुपये पिछले महीने का है, 1,000 इस महीने का है, एक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने पर ही मुझे मिला है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी तक मैं यहाँ पे अर्न कर चुका हूँ यहाँ पे 5,410 रुपये, मतलब 5,410 रुपये यहाँ पे अर्न कर चुका हूँ, जिसमें से अभी 1,000 यहाँ पे रिडीम नहीं किया हूँ। यहाँ पे करीब यहाँ पे 4,400, यहाँ पे देखिए 4,405 रुपये मैं रिडीम कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा ही देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 5,410 रुपये है यहाँ पे टोटल लिमिट है, मतलब मेरा यहाँ पे अभी तक जब से अकाउंट यहाँ पे ओपन किया हूँ तब से यहाँ पे अभी तक का यहाँ पे कैशबैक जितना मैं अर्न किया हूँ वो दिखा रहा हूँ, 1,005 रुपये इस महीने का है और यहाँ पे रिडीम मैं कर चुका हूँ 4,405 रुपये। ठीक है, यहाँ पे अच्छे खासे ऑफर दिखते हैं तो मैं इसलिए यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अदर क्रेडिट कार्ड ये सब से बात की बात है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने पे मुझे दे रहा है, जो कि क्रेडिट एप्लीकेशन में सब पे नहीं दे रहा है। आप अदर ऑफर भी इस पे देख सकते हैं, चलते रहता है। तो चलिए वो आपकी बात है, यहाँ पे डीएक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ पे 3 लाइन पे जाना है। 3 लाइन पे जाने के बाद आपका यहाँ पे देखिए नाम दिखेगा और मोबाइल नंबर दिखेगा, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, नाम, और यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दिया गया है कि आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी अभी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और KYC कम्प्लीट है, वो सब यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बस आपको ऐड करना है और यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, उस पर आप यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद बस सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, वन टाइम OTP जाएगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए रहेगा, उसको एंटर कर देना। आप जैसे ही यहाँ पे OTP एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड हो जाएगा। अगर ईमेल आईडी मतलब OTP नहीं जाता है इनके तरफ से तो आप यहाँ पे देखिए टाइमिंग लगा हुआ है, यहाँ पे करीब यहाँ पे 60 सेकंड का यहाँ पे टाइमिंग रहता है, उसको यहाँ पे रिसेंड भी कर सकते हैं बाद में। तो हमें आ गया था, हम यहाँ पे वेरीफाई कर दिए, ईमेल आईडी ऐड हो गया। अब यहाँ पे डीएक्टिवेट करने के लिए देखिए लास्ट में यहाँ पे दिया गया डीएक्टिवेट अकाउंट, आप यहाँ पे अकाउंट को परमानेंटली यहाँ पे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया गया डीएक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद, आर यू श्योर बिफोर डीएक्टिवेशन,
चेक हाउ टू इट वर्क पोस्ट पे। यहाँ पे बोला गया है कि आप यहाँ पे डीएक्टिवेट करने से पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कैसे यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया पोस्ट पे कार्ड आपको यहाँ पे दिया जाता है, जिसके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर पे यूज़ कर सकते हैं। स्कैन एंड पे सिस्टम दिया जाता है, जिसमें यहाँ पे स्कैन करके आप यहाँ पे 40 लाख प्लस यहाँ पे भारत पे QR कोड एंड पे विथ यहाँ पे पोस्ट पे लिमिट यहाँ पे उस पर यहाँ पे कर सकते हैं। सेंड मनी ट्रांसफर कर सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी आपको यहाँ पे करना है तो आप यहाँ पे डीएक्टिवेट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका अमाउंट पेड रहेगा, जितना भी आपको लिमिट मिलेगा उसमें यहाँ पे पेड रहेगा, तो यहाँ पे इंस्टेंट आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट करके दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पेड रहेगा तो यहाँ पे देगा अनबिल्ड बिल और ड्यूस, जो यहाँ पे आप ड्यू है उसको यहाँ पे पेड करने के बाद यहाँ पे देखे दिया गया है, बोला गया कि आपका यहाँ पे जब तक यहाँ पे जो अमाउंट है अनबिल्ड नहीं, मतलब कि अनबिल्ड अमाउंट है या जो भी यहाँ पे बकाया है वो यहाँ पे जब तक आप पेड नहीं करते तब तक यहाँ पे डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जितना भी यहाँ पे अमाउंट बाकी है, जो भी यहाँ पे क्लियर ड्यू है, उसको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद ही आप यहाँ पे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर करिए, क्लियर करने के बाद यहाँ पे आसानी से आके आप यहाँ पे 3 लाइन पे आके अपने यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो उसमें से आके आप यहाँ पे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नया अपडेट आया था तो मैंने बता दिया, अगर कुछ भी यहाँ पे जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।